सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें मैं B10 कह देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी HTML फाइल क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, नोट पैड ओपन किया। नोट पैड दो टाइप के हैं, एक सिंपल नोट पैड होता है, एक नोट पैड प्लस प्लस होता है। नोट पैड प्लस प्लस में कोडिंग करना आसान है, नोट पैड में ज़रा कोडिंग करना मुश्किल है। दोनों पे करके दिखा देता हूँ। पहले मैं सिंपल नोट पैड ओपन कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने फाइल सेव एज किया। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे गया, अपना फोल्डर B10 निकाला और इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ से LEC लेक्चर मैं 3 कह देता हूँ और .html यहाँ पे लिखूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लूँगा और उसको सेव कर लूँगा। जैसे ही मैंने सेव किया तो जाके मैं फोल्डर में जाता हूँ, ये देखे ब्राउज़र का आइकॉन। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फाइल को। अब यहाँ पे जाता हूँ, जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये आउटपुट के लिए आएगा, ये स्क्रीन आउटपुट के लिए सामने आ गई। लेकिन जैसे ही मैं ओपन विद करके नोट पैड करता हूँ तो ये कोडिंग के लिए जगह आ गई। ठीक है, सबसे पहले जब भी हमने फाइल क्रिएट करनी है, क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे चेक कीजिएगा कि जब टाइप मैं लिखता हूँ ना तो उसने कहा कि क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा यहाँ पे आके जब मैंने डॉक्यूमेंट वर्जन डिक्लेयर कराना, जो कि बल्कि मैं नोट पैड प्लस प्लस में ओपन कर देता हूँ, इसमें टेक्स्ट बहुत छोटा है, समझ नहीं आएगा आपको। नोट पैड प्लस प्लस सेम ही काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें लाइनिंग कलरिंग ऑटो हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा डॉग टाइप, सॉरी कैपिटल में लिखना है, HTML लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे पता चल गया कि ये आपका डॉक्यूमेंट वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे HTML का टैग लगाया। जैसे ही लगाया इसका क्लोजिंग टैग साथ ही लगा देना। अब ये देखें, ये साथ में इस नोट पैड प्लस प्लस में क्या हुआ है कि साथ में एक लाइन बन गई है। उसने कहा कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर ये नहीं लगाते तो वो लाइन एंड तक जितना डेटा लिखते जाओगे वो एंड तक जाती जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले साथ साथ ही HTML का टैग लगा दिया। अच्छा, जब HTML के अंदर फर्दर टैग लगाने हैं तो हमें एक टैग दबाना है, टैग दबा के अगला टैग लगाना है। तो जी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हेड, और इसी के बराबर मैं हेड का टैग लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर एक टैग था टाइटल। ठीक है, ये टाइटल लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने लिख देता हूँ कि SST लैब लेक्चर 3 मैं लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, पहले सेव करना है, फिर आपने ब्राउज़र पे जाके इस पेज को रिफ्रेश करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया SST लैब लेक्चर 3। पहले क्या आ रहा था, पहले उस फाइल का अगर आपने टाइटल नहीं दिया हुआ, जो उस फाइल का नेम होगा वही आएगा वहाँ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैंने टाइटल के बाद एक स्टेप आगे जाके डेटा लिखा है। इससे क्या हो गया, आपको पता चलता जाएगा कि कोड जो है बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, एक अलाइनमेंट में आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इस टैग के अंदर ये टैग है, इस टैग के अंदर। अब HTML सॉरी नोट पैड प्लस प्लस का ये फायदा है, जिस टैग के ऊपर क्लिक करोगे वो उसके क्लोजिंग टैग को भी हाईलाइट कर देगा। लेकिन उसके लिए आपने ये लाजमी देखना है कि उसका टैग जो है उसके बराबर ही रखे। अगर आप ऐसे कर देंगे, ये यहाँ पे पड़ा है तो ये कितनी अलाइनमेंट बुरी लग रही है। ये क्लोजिंग टैग आपने जहाँ पे ओपनिंग लगाया क्लोजिंग उसके बिल्कुल बराबर ही रखें,
और टाइटल जैसे लगाया, टाइटल के अंदर ये मैंने टाइटल मैसेज दे दिया। अच्छा, हेड के बाद दूसरा पोर्शन था बॉडी। बॉडी लगा, ठीक है। बॉडी लगाने के बाद अब जितना भी काम होगा, जो भी डेटा इसमें लिखेंगे, अच्छा ये जो भी डेटा हम इस बॉडी में लिखेंगे वो हमारा ब्राउज़र के ये वाइट वाले पोर्शन में शो होगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे डेटा शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बॉडी के अलावा अगर मैंने आपको कहा था कि ये डेटा चाहे टैग के बाहर लिख दें तब भी शो होगा, एरर नहीं आएगा। लेकिन मसला क्या है कि वो स्टैंडर्डाइज कोडिंग नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज आपकी एचटीएमएल की काफ़ी टैग काम नहीं करेंगे। एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि आपने उसके अंदर ही आना है, एचटीएमएल के अंदर एरर नहीं आता, वो मैंने आपको बताया। और आपके सामने देखो कि मैंने टैग के बाहर डेटा लिखा, कोई एरर नहीं आया, समझ आ गई। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, बाकी जितने भी टैग हैं ये बॉडी के अंदर काम करेंगे। चले मैं नेट से कोई स्टेटमेंट उठाता हूँ, उसी के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज लगाता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ एसएसटी लैब की वेबसाइट खोलिए, मैं ये डेटा उठा लेता हूँ, ये यहाँ पे लिखी, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को जाके, तो ये डेटा यहाँ पे ऐसे आ गया। अब चले मैंने अभी आपको कहा था कि स्पेसेस और इंटर से इसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे इंटर 5-7 दे दी और यहाँ पे स्पेसेस दे दी कितनी सारी, लेकिन डेटा ये यहाँ पे वैसे ही रहेगा क्योंकि एचटीएमएल इन चीज़ों को नहीं मानता। एचटीएमएल सिर्फ एक स्पेस को मानता है, अगर इन चीज़ों को कवर करना है तो उसके लिए हमें टैग यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास डेटा आ गया, अब मैं कहता हूँ कि इसमें वी हैव स्पेशलिस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बी का टैग लगाया और यहाँ पे जाके मैंने क्लोज कर दिया बी का टैग, और इसको आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दो, यहाँ स्मॉल जो छोटे टैग हैं उसको ऐसे रहने दो, इससे कोई मसला नहीं बनता, ठीक है। कोडिंग इस तरह भी काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके देखता हूँ, तो ये देखें वी हैव स्पेशल लिस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, समझ आ गई, उसने उस डेटा को बोर्ड कर दिया। लेट्स सपोज मैं इस बोर्ड के टैग क्लोजिंग को ख़त्म कर देता हूँ, तो ये एंड तक सबको बोर्ड कर दे, इसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे पास क्लोजिंग पोर्शन कहाँ पे है, जहाँ तक उसका पेज जा रहा है, डेटा एंड जा रहा है, वहाँ तक वो बोर्ड करता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अटैलिक की बात आ जाती है, मैं कहता हूँ कि वी हैव स्पेशल लिस्ट जो है वेब डेवलपमेंट को अटैलिक भी कर दूँ। अभी एक बच्चे ने को किया था कि डबल टैग कैसे लगाते हैं, ये देखें ये डबल ही हो गया, कि उसने कहा कि इस डेटा को बोल्ड कर दो लेकिन इसके अंदर ये वेब डेवलपमेंट है, इसको बोल्ड भी करो और अटैलिक भी कर दो। ये देखें वेब डेवलपमेंट अटैलिक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि अटैलिक करने के बाद अगला डेटा अंडरलाइन आ जाता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यू का टैग लगाया और यहाँ पे यू का टैग क्लोज किया। तो ये देखें डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट को उसने अंडरलाइन कर दिया, ये देखें, ठीक है। अब अंडरलाइन के बाद अगली बात थी सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट से पहले मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ, जैसे 2m एंड log 15। तो ये देखें मैंने एंटर करके डेटा लिखा, ये इसी लाइन के आगे आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये डिफरेंट लाइन में आए, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके br का टैग लगा दूँगा। br क्या करेगा, उस डेटा को नीचे पुश कर देगा, मतलब कि 2m को नीचे ले जाएगा। और यहाँ पे जाके मैं
टू एम के बाद एच आर लगा देता हूँ, ये क्या करेगा, एच आर नीचे भी डेटा ले आया और लाइन भी लगा दी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये डेटा उसने बी आर क्या काम करता है एच आर, इनके दोनों के क्लोजिंग टैग नहीं होते। अब इसके ऊपर मैं सुपर सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे लुक इस तरह आ रही है 2m, मैं कहता हूँ कि 2m के अंदर जो m है वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाए, ऊपर चल जाए। उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे s u p में लगा दूंगा और यहाँ पे s u p को क्लोज कर दूंगा, तो ये देखिएगा ये डेटा ऊपर चला गया, 2 की पावर m बन गई। यहाँ पे ये स्पेसिंग कम कर दो ना तो ये बिल्कुल साथ जाके लगे, ठीक हो गया। उसके बाद log 15 आपके सामने आउटपुट इस तरह आ रही है, इसको मैं सबस्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं कहता हूँ ये बेस में चल जाए, सब सबस्क्रिप्ट किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए उसकी बेस में चला गया। इसकी स्पेसिंग कम कर दो, लॉग 15 आउट, समझ आ गई इस बात की। अब ये क्या हुआ कि मेरे पास सुपर सबस्क्रिप्ट हो गया। अच्छा, ऊपर वाले पैराग्राफ में देखें, मैं कहता हूं कि आवर डेवलपर्स आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, इसको मैं वो वाट लगाना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या टैग लगाना पड़ेगा, मार्क, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अगर मार्क का टैग लगा देता हूँ तो ये देखिएगा ये उसको उसने अंडरलाइन वो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद डेल का टैग लगाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बी आर लगा देता हूँ, यहाँ पे बी आर आपकी मर्जी है, जितना मर्जी लगाएं, बी आर बी आर, ठीक है। और यहाँ पे जाकर मैं डेटा लिख देता हूँ 5000, ये इस तरह डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर 5000 के ऊपर अगर मैं डेल का टैग लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ऊपर लाइन लगा दिया उसने, कट कर दिया उसने। और अगर इसके ऊपर मैं आई एन एस का लगा दूँ, तो ये देखें उसने उसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये वाला लगा लो या वो वाला अंडरलाइन का यू लगा लो, सेम है, लेकिन आई एन एस का हमें डिफाइन कर दिया हुआ है लैंग्वेज ने कि ये होती है इंसर्ट कट है, तो इसलिए उन्होंने आई एन एस कर दिया इसको, ठीक हो गया। तो इंसर्ट के लिए हमने ये टैग डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए मैं कोई पैराग्राफ उठा लेता हूँ, ये एक पैराग्राफ तो कम पड़ेगा, मैं इसको 2-3 दफ़ा कॉपी करूँ, यहाँ पे जाके एक मैं एच आर लगाता हूँ, वैसे 3-4 मतलब के 4 जगह पे 5-6 जगह पे मैं कॉपी करता हूँ, तो ये डेटा कुछ इस तरह शो होगा, ठीक है, डेटा कुछ इस तरह शो हुआ है। मैं कहता हूँ कि इसके मैंने 2 पैराग्राफ बनाने हैं, तो यहाँ पे आप एक पी लगा लो और यहाँ पे जाके पी को क्लोज कर दो, तो ये क्या बन गया, ये देखिएगा ऊपर वाले पोर्शन में नीचे वाले पोर्शन में डिफरेंस आ गया, ठीक है, उसने स्पेसिंग छोड़ दी है। अगर मैं इसके ऊपर भी पी लगा दूँ तो ये नीचे वाले पैराग्राफ के साथ भी ऐसे ही एक्शन परफॉर्म,
ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसने पैराग्राफ में कन्वर्जन कर दिया, दो पैराग्राफ। इसके अलावा क्या रह गया, चले अब ये जो कोड लिखा हुआ है बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैंने बॉडी तक तो इंडेंट किया था, बाकी नहीं किया था, ठीक है। आप इसको छोटे टैग को ऐसे लिख लें, या दूसरा तरीका ये होता है कि ये बोर्ड के अंदर आई का टैग है तो आई को आगे ले लो, ये डेटा को इस तरह ले लो। जब पैराग्राफ के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी लगानी होगी तो फिर आपको टैग इंडेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा इंडेंट। अब बोर्ड के बाहर यू शुरू हो रहा है, अंदर नहीं पड़ा, तो ये इसके इक्वल रहेगा। अब ये U के बाहर टिपिकली आ रहा है, टिपिकली वहीं पे उसके बराबर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो किसी टैग के अंदर नहीं है, वो टैग के बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्क यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये पैराग्राफ, ये BR यहीं पे रहेगा। अब ये जो जैसे ये छोटे टैग हैं, इनको ना इंडेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन जो आगे टैग आएंगे ना, डिवीजन, सेक्शन, इस तरह के टैग कुछ आएंगे, उनको करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ये छोटे टैग को करना ज़रूरी नहीं है, जो पैराग्राफ या छोटी मोटी प्रॉपर्टीज पे होते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको अगर आप टैग को इंडेंट नहीं करोगे तो आपके लिए मसला है, ठीक हो गया। अब ये जैसे पैराग्राफ था, इसके अंदर डेटा को एक टैब आगे रखो, एक टैब को आगे रखो, तो ये टैब आगे चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका डेटा इंडेंट हो गया, ठीक है। इंडेंट होने के बाद आपका डेटा यहाँ पे ये देखिए, आउटपुट जो है वो उसी तरतीब में आती है, ठीक हो गया।